कि आप देख सकते हैं आज की जो रेसिपी है सॉफ्ट ड्रिंक की है, एक जूस ड्रिंक है, एप्पल ग्रेप्स जूस। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और बहुत मज़े की है। आपने पूरी वीडियो साथ देखनी है और बहुत सिंपल इजी रेसिपी है। आए अब हम जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और ऐसे ही आबाद रखे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो सॉफ्ट ड्रिंक की रेसिपी है। एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग किस्म का जो है मैं आपके साथ ड्रिंक शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है एप्पल जूस मैंने निकाला था तो वो मैंने रख लिया था। ये एक गिलास मेरे पास एप्पल जूस है और एक गिलास ही मेरे पास सेवन अप है। और यहाँ पे एक कप मुझे अंगूर चाहिए और ये कुछ आइस है। 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने चीनी ली है और ग्लास पे मैंने अच्छी तरह लेमन लगाया उसके एजिस पे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने चीनी को बिल्कुल भी नहीं पीसा, बिल्कुल जो एक शुगर होती है नॉर्मल घर में उसको मैंने ग्लास के साथ जो है उसको डिकोर कर दिया, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है अपना अंगूरों का जूस निकाल लेंगे। अंगूरों के जूस में मैं 1/2 कप पानी लूँगी और बाकी अंगूरों का जूस होगा और फिर मैं स्ट्रेन करके आपके साथ बाकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राइंडर के जग में 1 कप मेरे पास अंगूर हो गए थे, 1/2 कप मैंने पानी डाला है। पहले मैं इसका जो है जूस बना लूँगी क्योंकि मुझे क्लियर जूस चाहिए, मुझे पल्पी जो है जूस नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं एप्पल का जूस भी जो है नीचे से वो जो उसका पल्प है बैठ गया और मैं ऊपर से उसका क्लियर वाला जूस लूँगी। तो आए हम जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जूस रेडी हो गया है, अंगूरों का मैंने जूस निकाल लिया, ग्रेप्स जूस है ये और ये बिल्कुल क्लियर है। ये 1 कप अंगूर और 1/2 कप पानी का मैंने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा एक निकाल लिया है और इसको मैंने टेस्ट किया था, इसमें चीनी थी तो लिहाजा मैं जो है चीनी मैंने 3 टेबलस्पून ली है तो मैं 2 टेबलस्पून चीनी डालूंगी। सबसे पहले मैं जो है एप्पल जूस डाल दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ पर ग्रेप्स का जूस भी मैं डाल और चीनी मैं 1/2 डालूँगी, यहाँ पर 1/2 चीनी डाल दूँगी इसमें। अब मैं आइस इसमें शामिल कर दूंगी, एप्पल जूस है, चीनी है और आइस है। अब यहाँ पे मैं ये जग में निकालूंगी, बिस्मिल्लाह। इजीली हमारे जो 4 ग्लास हैं इसी साइज के वो बन गए। यहाँ पे मैं जो 7 अप शामिल कर दूंगी इसमें, बिस्मिल्लाह। 7 अप आप ऊपर से अलग से इसको सर्व करते हुए डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहेगा। ये मैंने ग्रेप्स और जो है एप्पल का छोटा सा ये लगा लिया, ये अच्छी सी डेकोरेशन हो जाएगी ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा जो एप्पल ग्रेप्स जूस है हमने 7 अप हम सर्व करते हुए आप डालें 7 अप इसमें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ईजी है, बहुत क्विक सी रेसिपी है। हाँ मैं इसको अक्सर बनाती हूँ तो मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों के साथ इसको शेयर भी कर लूँ। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। जब आपको पसंद आएगा हमेशा की तरह आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ट्राई ज़रूर करें और फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, दुआओं में सबको याद रखें और मुझे भी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।